Hello, hello dear students, myself Naneshwar Patil. आज हम देखेंगे circle topic के ऊपर. कल हमने देखा था angle and its measurement. तो angle and its measurement बाद में हम देखेंगे circle topic है. MST CET 2020 के लिए हम preparation कर रहे हैं. तो circle में जो main topic है तो उसके ऊपर हम ध्यान देखेंगे पहले कि क्या क्या basics में हमें क्या याद रखना चाहिए. center रेडियस फॉर्म है, उसमें x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. सेकंड है सर्कल टचिंग ऑन x एक्सिस. अगर सर्कल x एक्सिस को टच होता है, सर्कल दिया हुआ है और x एक्सिस को टच होता है, यहाँ पे टच होता है वो, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या रहेगा? x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, वेयर h एंड k आर द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, सी एच के. ठीक है, तो सर्कल टचिंग ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे टच होता है तो इक्वेशन क्या आएगा? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर. सिर्फ यहाँ पे के और एच जो है वहां पे ये डिफरेंट हो गया है. सॉरी, यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर और यहाँ पे आएगा के स्क्वायर. ये दोनों में आप देखेंगे यहाँ पे तो दोनों में डिफरेंट है, के और एच का. ठीक है, वाई एक्सिस पे है तो के स्क्वायर है और एक्स एक्सिस पे तो एच स्क्वायर है. ठीक है, सर्कल टचिंग ऑन द बोथ एक्सिस, अगर दोनों एक्सिस को टच होता है सर्कल, अगर दोनों एक्सिस को टच होता है, कैसे? अगर सर्कल है एक्स एक्सिस, सॉरी यहाँ पे और वाई एक्सिस, ये दोनों पे यहाँ पे अगर टच होता है यहाँ पे नीचे, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या आएगा? सेंटर ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू आर एक्स प्लस टू आर वाई प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे टचिंग ऑन द बोथ एक्सिस, सेंटर रेडियस फॉर्म है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म में क्या आएगा? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एच के इज द सेंटर. यहाँ पे सर्कल टचिंग ऑन एक्स एक्सिस, सर्कल टचिंग ऑन वाई एक्सिस, सर्कल टचेस ऑन द बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को अगर टच होता है, व्हाट इज दीज आर द टाइप्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. सर्कल टचिंग सेंटर एट ओरिजिन, अगर सर्कल सेंटर ओरिजिन को टच करता है तो क्या होता है? सर्कल ओरिजिन में है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. हमें पता ही है जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल आप कहते हैं इसको. नेक्स्ट इज जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल. जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. अगर ये इक्वेशन है उसमें हमें सेंटर पता होना चाहिए. सेंटर क्या रहता है? माइनस जी माइनस एफ. अगर जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के फॉर्म में इक्वेशन है तो सेंटर आएगा इक्वेशन का माइनस जी माइनस एफ, रेडियस आएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. व्हेन ये कब होगा? ये होगा व्हेन ए इक्वल टू जीरो एंड B equal to zero. ये कुछ बेसिक पॉइंट है सर्कल हमने शुरू कर रहे हैं एमएसटी सीईटी के लिए, तो बेसिक पॉइंट आपको कुछ याद रखना चाहिए. 11 का टॉपिक है तो आप थोड़ा इस पे प्रिपरेशन करिए उसका, इसका ये थोड़ा स्टडी करिए. सेंटर रेडियस फॉर्म क्या है? टच एक्स एक्सिस को टच होगा तो इक्वेशन क्या होगा? वाई एक्सिस को टच होगा तो इक्वेशन क्या होगा? दोनों एक्सिस को टच होगा तो इक्वेशन क्या होगा? और सेंटर रेडियस सेंटर पर सेंटर सर्कल ओरिजिन है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. जनरल इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन अगर वन है तो उसका सेंटर क्या आएगा और रेडियस क्या आएगा व्हेन ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो. कुछ इस प्रकार के जो एग्जाम इस फार्मूलेज है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, इसके ऊपर हमें एग्जाम्पल लेना है. तो ये आपको पहले बेसिक थोड़ा आना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे राइट किया है और आपको उसको एक बार और पढ़ना है, उसके बाद में हम एग्जाम्पल देंगे. इसके पहले अगर आपने चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें और भी पार्टिसिपेट हो सके. तो इसके बाद में देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कुछ किस टाइप के एग्जाम्पल सीईटी में आते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट 30 एंड वाई एक्सिस एट 03. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल हमें निकालना है. तो रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है हमें, तो यहाँ पे दो पॉइंट, ये एक पॉइंट जो है एक्स एक्सिस को टच होता है और सर्कल पे, और
सेकंड पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे हम देखो सर्कल निकालेंगे, तो सर्कल मैंने निकाला है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे टच हो रहा है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो क्या पॉइंट दिया, ये सेंटर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई एक्सिस को टच क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सपोज ये पॉइंट मैंने निकाला, यहाँ पे बी पॉइंट का इधर ओरिजिन है, तो यहाँ पे मैं टच करूंगा इसे, तो ये पॉइंट जो आएगा, ये पॉइंट क्या आएगा हमारा 03, वाई एक्सिस पे है, ये पॉइंट आएगा हमारा 30, तो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सेंटर लिखता हूँ सी। तो देखिए रेडियस निकालने, तो यहाँ पे क्या आता है, ये है यहाँ पे ओ ओ ए इक्वल टू ओ बी, 3 सेंटीमीटर है, ओ ए इक्वल टू ओ बी 3 यूनिट्स है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये इक्विवेलेंट है इसके, तो क्या आएगा ओ बी इक्वल टू ए सी और सी ए, तो ये भी क्या आएगा 3 यूनिट्स आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए बी, बी सी इक्वल टू ए, ओ बी ओ ए इक्वल टू ओ बी लिखा है, यहाँ पे ओ ए इक्वल टू ओ ए इक्वल टू बी सी आप लिख सकते हो, ओ ए इक्वल टू बी सी और ओ बी इक्वल टू ओ बी, दैट मीन ओ बी इक्वल टू ए सी और सी ए, ये भी क्या है 3, दैट मीन्स ए सी क्या है रेडियस, बी सी क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो हमें यहाँ पे देयरफॉर आर इक्वल टू 3 यूनिट्स, ये इसका आंसर, सीधा सीधा आंसर है। कुछ ज्यादा डिस्कस कर, ज्यादा फार्मूले करने की जरूरत नहीं। आपको अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ टच हो रहे हैं और ये सर्कल अगर डायग्राम आपको दिमाग में आती है, तो आपको ये आंसर इसमें जल्दी आएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 मार्क के लिए एमएसटी सीटी में क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन, कल मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर इज द एंगल सबटेंडेड। तो हमें क्या निकालना, एंगल निकालना है, तो एंगल सबटेंडेड लेंथ ऑफ एन आर्क फॉर्मूला क्या है, तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इंटू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इंटू रेडियस, ये आप फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमें एंगल सबटेंडेड निकालना है, तो एंगल इक्वल टू, मैं लिखता हूं एंगल इक्वल टू, ये क्या आएगा सेंटर रेडियस उसके डिवाइड हो जाएगा, तो लेंथ है एल और रेडियस है आर, तो एंगल इक्वल टू क्या, एल क्या है लेंथ ऑफ, क्या दिया है 1 सेंटीमीटर, दैट मीन यहां पे 1, और रेडियस क्या है आर, आर क्या है 3, तो 1/3, तो ये एंगल अपना 1/3 हो गया, ये रेडियन में हो गया। तो हमें यहाँ पे एंगल में दिया, डिग्रीज में दिया है, तो हमें निकालना है एंगल इक्वल टू 1/3 इंटू 180 अपॉन पाई, तो इसको हमें सीधा डिग्री में करना है, तो 60 डिग्री अपॉन पाई, ये होगा आंसर, तो ये अपना है बी। देखिए तो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 3, रेडियस 3 दी हुई है बाय आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ दिया है 1 सेंटीमीटर, तो एल इक्वल टू 1 लिखा, आर इक्वल टू 3 लिखा, और निकलना है एंगल सबटेंडेड, ये फार्मूला आपको याद रखना है अच्छी तरह से, इसके ऊपर आपको, और जैसे कि रेडियस चेंज करके आया है, लेंथ चेंज करके आया, तो आपको ये इसका आंसर भी निकालने को आना चाहिए, तो ठीक है। तो देखते हैं उसमें हमारे 2 प्रॉब्लम देखे, और थर्ड प्रॉब्लम भी देखते हैं उसमें और क्या एग्जाम्पल है, चलो देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो है हमारा, थर्ड प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द 2 सर्कल। अभी दो सर्कल में हमें डिस्टेंस निकालना है, अगर हमें 2 सर्कल का डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए कि हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द 2 सर्कल जनरल फॉर्म में होना चाहिए। अगर यहाँ पे ए एंड बी में दिया है तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द 2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट मीन सेंटर 2 सर्कल के जो सेंटर है, तो उसमें दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें हमेशा याद रखना चाहिए सेंटर ऑफ द सर्कल जो है, सेंटर ऑफ द
सर्कल जो है वो हमें याद रखना चाहिए कि वो अगर यहाँ पे ए बी दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमें दिख रहा है, तो सेंटर भी ए एंड बी के फॉर्म में ही होंगे। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल क्या आएगा, माइनस ए जीरो एंड दूसरा जो पॉइंट है दूसरा सेंटर का क्या आएगा, जीरो ए और उसमें हम बी भी है तो जीरो माइनस बी। यहाँ पे हमें माइनस ए जीरो एंड जीरो माइनस बी ये सेंटर लेना है, उसका डिस्टेंस निकालना है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला अगर हम निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला सबको पता है क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ये रूट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से हम लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जीरो है एक तो पॉइंट जीरो है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस जीरो माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस जीरो माइनस प्लस बी स्क्वायर दैट इज डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर डिस्टेंस आएगा हमारा पाई बॉडी का डिस्टेंस, डिस्टेंस आएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या रखना चाहिए, हमें कुछ भी दिया नहीं, डिस्टेंस दिया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल। सेंटर ऑफ द टू सर्कल क्या होते हैं, तो ये ए बी के फॉर्म में अगर यहाँ पे एक्स वाई होता है तो मैं माइनस एक्स लूंगा या माइनस वाई लूंगा। तो हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए कि अगर सेंटर दिया है निकालना है तो सर्कल का, तो ये ए बी के फॉर्म में है या एक्स वाई के फॉर्म में, तो सेंटर क्या आएंगे, तो सेंटर हमारे ये आएंगे माइनस ए, ये जनरल फॉर्म में है। ठीक है, तो सेंटर आएगा तो इसके अगर डिस्टेंस निकालना है तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो हमें डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर कर दिया। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल हमें निकालना है, तो जनरल फॉर्म डिस्टेंस क्या आएगा, माइनस ए जीरो एंड जीरो माइनस बी। ठीक है, याद रखिए अच्छी तरह से। फॉर एग्जाम्पल इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू फोर फाइव हैविंग द सेंटर एट टू एट टू कॉमा टू इज, हमें क्या यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकलना है हमें, ये पासिंग होता है फोर फाइव से एंड हैविंग सेंटर दिया हुआ है टू कॉमा टू, यहाँ पे टू कॉमा टू दिया है, तो रेडियस पहले हमें निकालनी है यहाँ पे आर, तो आर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे एक पॉइंट से पासिंग हुआ है और रेडियस भी दी हुई है, तो क्या रेडियस निकलना है हमें, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, रेडियस क्या होता है आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट है ये फोर फाइव और टू कॉमा टू, ये आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन, दैट मीन आर स्क्वेयर, अभी जैसे फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ, तो मैंने अगर यहाँ पे आर स्क्वेयर कर दिया तो ये स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आर स्क्वेयर इक्वल टू हमें ऑफ यहाँ पे निकलना तो क्या आएगा फॉर फाइव फोर माइनस टू दैट मीन टू आएगा, टू का स्क्वेयर प्लस फाइव माइनस टू दैट मीन्स थ्री आएगा, थ्री का स्क्वेयर टू का स्क्वेयर फोर, फोर प्लस नाइन इक्वल टू थर्टीन। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, यही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था ये, तो यहाँ पे क्या आर स्क्वेयर लिखा मैंने, अगर आर लिखता हूँ तो ये अंडर रूट में आएगा, अगर स्क्वेयर करता हूँ बोथ साइड का इधर का स्क्वेयर रूट चला जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वेयर रहेगा, आर स्क्वेयर ये टू का हासिल आया, टू आया फोर माइनस टू दैट मीन्स टू, ठीक है, और फाइव माइनस टू दैट मीन्स थ्री, थ्री का स्क्वेयर है तो थर्टीन आएगा, तो आर आर स्क्वेयर दैट मीन्स आर हमारी आर इक्वल हो गया हमारा ये डिस्टेंस आर इक्वल हो गया, आर इक्वल हो गया थर्टीन, आर इक्वल, ठीक है, रेडियस होगी थर्टीन। तो हमें एग्जाम्पल में अभी तो यहाँ पे थर्टीन दिखाई दे, ये तो आंसर नहीं हो सकता, हमें और क्या करना चाहिए, इसमें सेंटर दिया है तो सेंटर रेडियस फॉर्म में हमें क्या लिखना चाहिए, एक्स माइनस टू एच के, अगर ये सेंटर है एच के तो सेंटर रेडियस फॉर्म लिखा है एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वेयर, या फिर अगर हम लिखते हैं इक्वल टू आर स्क्वेयर है, आर इक्वल टू आर स्क्वेयर इक्वल टू क्या है थर्टीन है, तो हमें यहाँ पे सिंपली थर्टीन आर स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वेयर हो गया था, आर स्क्वेयर इक्वल थर्टी, थर्टी है थर्टी लिखना है, आर स्क्वेयर हमारा फार्मूला आप लिखते हो यहाँ पे आर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर रहता है प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वेयर रहता है, अगर हम उसका स्क्वेयर करते आर स्क्वेयर यहाँ पे एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वेयर, ये फॉर्म में आएगा, हमने यहाँ पे आर स्क्वेयर क्यों लिखा है, आर इज द डिस्टेंस है, अगर आर इसका स्क्वेयर करते तो स्क्वेयर रूट निकल जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे आर स्क्वेयर आएगा, आर स्क्वेयर आएगा तो उसमें स्क्वेयर रूट नहीं आएगा, ठीक है, आर स्क्वेयर इक्वल टू थर्टीन। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस सॉरी माइनस टू एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस
4x plus 4 equal to 13, that means x square plus y square minus 4x minus 4y, ये 4 plus 4 8 अगर 13 इधर आए तो क्या होगा minus, ये 8 होगा minus होगा minus 5 equal to 0, ये हमारा आंसर आएगा। इसमें से x square plus y square minus 4xy minus 5 equal to 0 आंसर आएगा हमारा B। तो इसको अच्छी तरह से डिस्टेंस फार्मूला एक बार याद कर लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला को, फॉर एग्जांपल ये भी डिस्टेंस अगर है तो किस टाइप का हमें सॉल्व करना है, कैसे क्या याद करना है, सेंटर दिया है निकलना है, सेंटर दिया है डिस्टेंस निकलना है तो सेंटर कौन से रहेंगे, तो ये भी हमें अच्छी तरह से करना है। उसके बाद में देखेंगे फिफ्थ प्रॉब्लम, देखिए फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल है हमारा, द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P62 and 2 of whose diameter are x plus y equal to 6 and x plus 2y equal to 4। तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो दो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x plus y equal to 6, सेकंड है x plus 2y is equal to 4। हमें x y का पेयर निकालना है, x y पॉइंट निकालना है, तो दो इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, सब्ट्रैक्ट किया मैंने यहाँ पे, रहेगा माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा टू, दैट मीन्स y इक्वल टू आया माइनस टू। अगर यहाँ पे y इक्वल टू माइनस टू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू, यहाँ पे अगर माइनस टू पुट किया तो यहाँ प्लस हो जाएगा x इक्वल टू 8, दैट मीन्स यहाँ पे हमें पॉइंट आया 8 एंड माइनस टू, और एक पॉइंट हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया है P62। ये दो पॉइंट हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 62 टू ऑफ व्हिच डायमीटर, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे रेडियस। अगेन हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूलाइज करके आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे मैंने निकाला आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पॉइंट, कौन सा ये पॉइंट मुझे मिला है, सपोज ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट हमें यहाँ पे 62 ऑलरेडी दिया हुआ था, हमें क्या करना है ये फॉर्मूलाइज करके उसमें से पुट करना है, तो क्या आएगा 6 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस और 2 प्लस 2 होल स्क्वायर आएगा उसको, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू रूट में क्या आएगा 4 प्लस 16, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 20, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 4 into 5, दैट मीन्स 2 root of 5। तो ये हो गए हमारी रेडियस, ठीक है। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए, दो इक्वेशन को पहले सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में एक्स वाई पॉइंट निकाला, तो हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे हम, तो रेडियस के हमें लिए डिस्टेंस फॉर्मूलाइज करके आर इक्वल टू, अगर आर स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट में आएगा ये, लेकिन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू 2 root of 5 इज द फाइनल आंसर। इस प्रकार सर्कल के ऊपर हमने 5 प्रॉब्लम देखे हैं, इस प्रकार आप सिर्फ कुछ पॉइंट चेंज करके आप निकाल सकते हैं, जैसा सेंटर रेडियस फॉर्म मैंने लिखा था, और जनरल इक्वेशन के ऊपर भी आप थोड़ी एक दो प्रॉब्लम करके रखिए, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, ये सिर्फ सीईटी के लिए नहीं और JEE के लिए भी NDA के लिए भी फायदेमंद आपके लिए है। आप थोड़ा प्रिपरेशन करिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के सिवा ये आपको पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेने हैं तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलें।